नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद शाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको वंश लोचन के बारे में जानकारी देंगे। वंश लोचन मार्केट में दो प्रकार का मिलता है। एक तो मिलता है जो क्रिस्टल के रूप में होता है, वाइट रंग का होता है, जो मनुष्य द्वारा तैयार किया जाता है। एक वंश लोचन वो होता है जो प्रकृति के द्वारा तैयार किया जाता है। प्रकृति के द्वारा जो ये तैयार होता है, ये राख की तरह होता है। ये बांस के अंदर गांठों में अच्छी तरह से सूख कर जब ये निकलता है तो ये बिल्कुल राख की तरह निकलता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको मार्केट में जो है ज़्यादातर कम मात्रा में मिलता है, तो ये जो है महंगा भी होता है। इसी वजह से आज के समय में सफ़ेद रंग का जो वंश लोचन बिक रहा है, वह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिक रहा है, क्योंकि वह मनुष्य द्वारा तैयार किया जाता है। वंश लोचन जो मेरे हाथ में है, ये असली वंश लोचन, सबसे ज़्यादा ये पहले हमें जावा और सिंगापुर से ही प्राप्त होता था। अब इसकी डिमांड ज़्यादा होने लगी है, तो यह आसानी से जो है प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, जो वंश लोचन की जो तासीर है, वह होती है ठंडी, और इसका स्वाद होता है बिल्कुल फीका। और इसकी जो क्वांटिटी खाई जाती है, वह 1 ग्राम की क्वांटिटी में ही इस्तेमाल किया जाता है अधिकतर बीमारियों में। पानी के साथ 1-1 ग्राम रोज़ सुबह शाम आप लीजिए, अगर कोई बीमारी है आपको तो। कैल्शियम के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिनके हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है 1-1 ग्राम की क्वांटिटी में रोज़ सुबह शाम। आप इसे पानी के साथ ले सकते हैं। वंश लोचन का इस्तेमाल जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन्हें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उन्हें कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। और जब उन्हें ज़रूरत होती है तो एलोपैथिक यानी अंग्रेजी दवाइयाँ उन्हें लिख दी जाती हैं, जिन्हें वो खाते हैं, लेकिन लैट्रिन बाथरूम के रास्ते वो दवाइयाँ निकल जाती हैं, तो उन्हें भरपूर कैल्शियम नहीं मिल पाता है। इससे उन्हें भी हड्डियों में कमजोरी बनी रहती है, और बच्चे को भी जो है कैल्शियम पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है। तो इसको 1-1 ग्राम रोज़ सुबह शाम आप इसे पानी या दूध दोनों में से किसी के साथ भी आप ले सकती हैं। यह आपकी हड्डियों से संबंधित सभी परेशानियों को पूरी तरह से ठीक करेगा। जिनके हाथ पैर जोड़ों में अक्सर दर्द की समस्या बनी रहती है, तो आप ये वंश लोचन लीजिए। इसको आप पानी में अच्छी तरह से पीसकर इसका पेस्ट बना लीजिए और इसे बांध लीजिए। रात को रोज़ ज़रूर बांध के आप इसे जो है लेटिएगा, आपके जो दर्द की जो समस्या है लगातार जो बनी रहती है, वह ठीक हो जाएगी। वंश लोचन का उपयोग आपने देखे होंगे, जो सड़क किनारे बंजारे हैं, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वह बांस के महत्व को अच्छी तरीके से जानते हैं, वंश लोचन को अच्छी तरीके से जानते हैं। जब वह महिलाएं जो गर्भवती होती हैं, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करती हैं। वो महिला जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, इस वंश लोचन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उन्हें भी कैल्शियम मिलता है, और दूध के रास्ते जो बच्चा दूध पीता है अपनी माँ का, उसको भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। रेगुलर अपने नियमित जीवन में वह वंश लोचन का उपयोग इसलिए करते हैं कि हर प्रकार के रोग यानी बीमारी में यह वंश लोचन काम करता है। दोस्तों, हमने वंश लोचन के ऊपर आपको आज एक छोटी सी वीडियो बनाई। इसे तवासीर भी कहा जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसके बारे में हम आपको और भी वीडियो बनाकर देंगे, वंश लोचन के बारे में बताएंगे कि क्या क्या फ़ायदे और होते हैं इससे। दोस्तों, हमने आपको लिए ये वीडियो बनाया हुआ है जो पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे देखना आप ना भूलें। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।